कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना के मामले में देश भर में रोष का माहौल है। देश भर के डॉक्टरों में काफी गुस्सा है और वो हड़ताल पर हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में भी डॉक्टरों की इस हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है, जिससे इलाज करवाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रेन में ट्यूमर है जी, तो उसका ऑपरेशन होना है। हड़ताल की वजह से परेशान है, चक्कर लगा रहे हैं बार बार। और क्या, यहाँ हमारा तो 1.5 महीना हो गया जी, महीने से ऊपर हो गया। टेस्ट सारे हो रहे हैं, हो चुके हैं। बस ऑपरेशन पहले 6 तारीख को डेट थी, नहीं हुआ, रश बहुत था। फिर 13 तारीख को डेट दे दी, तो हड़ताल हो गई। उसके बाद हुआ नहीं, हड़ताल की वजह से जो मरीज परेशान हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। और क्या परेशानी क्यों नहीं हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। मेरे पापा का जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन के बाद इन्होंने स्ट्राइक चालू कर दी। अब वो ऑपरेशन वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, कोई जब तक उसको दवाई नहीं देंगे, जो दवाई लिख दी वो दवाई मिली नहीं पूरे चंडीगढ़ में। मैंने छान मारा पूरा 11, पूरा 15, पूरा 32 सेक्टर 16 तक मार, मैंने हर जगह ढूंढ ली, कहीं मुझे दवाई नहीं मिली। वो मैं दवाई तक चेंज करवाने आ रही हूँ, कोई उस चीज़ को भी नहीं सुन रहा। अरे ठीक है, हम भी समझ रहे हैं, वो गर्ल है, मैं भी एक गर्ल हूँ सर, किसी के साथ भी होगा, हमें भी दुख है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी पेशेंट को छोड़ दो रोड पर। मरीजों के नए कार्ड नहीं बन रहे, लेकिन पुराने कार्ड धारक मरीजों को डॉक्टरी सुविधाएं मिल रही हैं। कल 4,500 से ज्यादा मरीज फॉलोअप के लिए न्यू ओपीडी पहुंचे। मरीजों की सुविधा के लिए हड़ताल पर बैठे रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से टेंट में ऑन रोड ओपीडी में मरीजों को देखा जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि हम इस घटना की पीड़िता के लिए न्याय और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से उन्हें न्याय की उम्मीद है। So 2 days back, the Supreme Court heard all our demands, and they didn't talk about any first demand. That's the main thing, is justice for victim. So he, Honorable Chief Justice, requested us to resume our work. So we resumed our work, starting the OPD in the roadside, and we organized a blood camp also yesterday. हमारी तो मुख्यतः दो ही डिमांडें हैं, एक कि the justice टू द विक्टम शुड बी सर्व, कि जो पीड़िता है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और वो ये नहीं है कि 10 साल 15 साल या 20 साल लग गए, हम चाहते हैं कि उनको एज सून एज पॉसिबल है जो परपेचुरेटर है, जो असेलियंट है, वो पकड़े जाएं, ताकि हमको भी एक उम्मीद हो कि आज भी जो है भारत में जो है कि इंसाफ मिलने का, इंसाफ जल्दी मिल सकता है।